वो वृक्ष जिस वृक्ष को बताते हैं 5000 साल पुराना वही वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु जी भजन करते थे और उससे पहले श्री राधा रानी यहाँ पर कृष्ण को याद करती थी इस यमुना तट के किनारे। ब्रजवासी सब मना किया राजा मुझसे हिप पेड़ को मौत करो, लेकिन राजा का घमंड था, अहंकार था, वो बात नहीं सुना, वो काट दिया। तो जैसे करना है तो इंसान को करने क्या खून निकलता है, ये पेड़ से 3 दिन और 3 रात लगातार खून निकलता है। 3 दिन खून निकला, 3 दिन 3 रात लगातार खून निकलता है, जो यमुना का पूरा पानी लाल हो गया। और इस वृक्ष को आप देखेंगे और एक श्रापित वृक्ष भी इसको बोल सकते हैं। कहते हैं कि राधा रानी ने ऐसा श्राप दिया कि पूरे ब्रजमंडल में इमली का पेड़ है ही नहीं, और है तो इमली पकती नहीं है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार इस समय श्री धाम वृंदावन के यमुना महारानी के तट पर यहां पर खड़ा हुआ है और मैं आज जो आपको दर्शन कराने जा रहा हूं वो ब्रजमंडल का बड़ा अनोखा और श्री धाम वृंदावन के अंदर एक बड़ा अलौकिक मंदिर है जिसे हम इमली तला के नाम से जानते हैं। वैसे तो आप वृंदावन आते होंगे, आपने मोस्टली श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, निधिवन के दर्शन किए होंगे, हमारे गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए होंगे, लेकिन एक लीला बड़ी प्यारी लीला यहाँ पर हुई है जिसे इमली तला के नाम से हम जानते हैं, जो कि इमली तला घाट के पास में है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर किस तरह से एक नहीं दो नहीं तीन तीन लीलाएं वहाँ पर हुई है, और कहते हैं 5000 साल पुराना एक इमली का वृक्ष है वहाँ पर, और उस वृक्ष के इमली के कारण श्री राधा रानी ने आखिर उसको ऐसा क्या श्राप दिया कि ब्रज 84 कोस में कहीं भी इमली का पेड़ तो होता है लेकिन वो इमली पकती नहीं है। ऐसा अद्भुत और रहस्यमय दर्शन करने के लिए आज आप मेरे साथ चलेंगे और मैं इस समय आपको बता दूं कि ये पूरा कहते ना कि राम युग पूरे भारत में आ चुका है, और आप भी देखेंगे श्री धाम वृंदावन के यमुना तट पर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर भगवान श्री राम के ये झंडा लगे हुए हैं, और हम आपको लेके चलेंगे परिक्रमा मार्ग से होते हुए इमली तला के मंदिर पर, जहाँ पर कि एक दिव्य और अनोखा वृक्ष 5000 साल पुराना वृक्ष आज भी मौजूद है श्री राधा रानी ठाकुर जी का दर्शन कराने के लिए। और ये हमारी यमुना महारानी का आप दर्शन कर सकते हैं, कैसे यमुना महारानी के तट के सामने ही वो मंदिर है। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं ब्रज 84 कोस में स्थित इमली तला मंदिर जो श्री धाम वृंदावन में स्थित है। बोल वाके बिहारी लाल की जय। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस मंदिर के बारे में हम आपको बता रहे थे, आखिरकार हम उस मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं, और इस मंदिर को पहले आप देखिए, और इस मंदिर में लगभग 5500 साल पुराना श्री राधा रानी ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु जी का यहाँ पर इतिहास जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ कि ये मंदिर परिक्रमा मार्ग में इमली तला घाट के पास में इस समय आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है और ये इमली तला घाट है जिसको बोलते हैं, और इसी के सामने यमुना जी के सामने ये स्थान है। और कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी जब यहाँ पर आए थे ब्रज की उत्पत्ति के लिए, उसी समय उन्होंने इसी स्थान पर इसी यमुना तट पर बैठ कर उन्होंने श्री राधा रानी और ठाकुर जी का यहाँ पर स्मरण किया, आनंद लिया उन्होंने। और ये देख सकते हैं आप, ये कुछ झांकियाँ हैं ठाकुर जी की कि उसी समय की लीला को यहाँ पर बता रही हैं, और ये सुखद अनुभव हम इस समय कर पा रहे हैं। और ये देख सकते हैं कैसे श्री जी ठाकुर जी यहाँ पर श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी राधा रानी का। और इस मंदिर के गेट के दोनों तरफ बड़ा सुंदर भाव है, और जब हम यहाँ पर देखते हैं इस तरह का दर्शन करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही अद्भुत दर्शन है। और इस लीला और इस स्थान की महिमा को बताने के लिए कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर जब आए हैं तो उन्होंने उस पेड़ के नीचे तप किया है। आइए चलते। और जैसे ही हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे चारों तरफ कुछ लीलाएं यहाँ पर प्रकट हैं, और कुछ लीलाओं के दर्शन आप करेंगे इस समय। और पहले आप इन दर्शनों को समझिए, जैसे कि महाप्रभु जी आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु जी का ये देखिए भजन स्थली। मैं जो आपको बता रहा था ये स्थान कई लीलाओं से जुड़ा हुआ है, और वृंदावन धाम में इस तरह का दर्शन आप जब भी कभी वृंदावन आएंगे तो आप इस तरह का दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी उसी वृक्ष के नीचे यहाँ पर यमुना जी के तट पर जो कि आज सामने है यहाँ पर भजन किया करते थे। ये देख सकते हैं आप कैसे पका हुआ इमली में राधा रानी का श्रृंगार जो खराब हुआ है
जो उनका अलता जैसे बोलते हैं महावर जो खराब हुई है उसके पीछे भी एक लीला है, उसको हम जानेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से गौर रूप में यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एक भाव है, और ये मानसरोवर पर मान लीला का यहाँ पर आप निकुंज लीला रासलीला का देख सकते हैं, और राधा रानी का ये महाअभिषेक का दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। और मेरे पीछे आप देखिए इस मंदिर के कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ये मंदिर बनाया हुआ है, और यहाँ पर है एक इमली का वृक्ष जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको मंदिर की तरफ लेके चलते हैं, और मंदिर के बाद हम आपको उस वृक्ष के बारे में बताएंगे जिस वृक्ष के पीछे काफ़ी सुंदर लीला है। आइए ये हो, और मंदिर का मुख्य गेट आप देख सकते हैं, और आइए चलते हैं और मंदिर परिसर के अंदर हम आपको लेके चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर श्री जी ठाकुर जी का विग्रह यहाँ पर बना हुआ है, और उसके अलावा चैतन्य महापुरुष जी से जुड़ी हुई जितनी भी लीलाएं हैं उन लीलाओं का दर्शन हम और आप यहाँ पर कर सकते हैं। और किस तरह से रघुनाथ जी का दंड महोत्सव है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेंद्र सरोवर में स्नान है, ये समस्त चैतन्य महाप्रभु जी के समय का समस्त दर्शन है राधे कृष्ण। और जब हम सामने आप देखेंगे ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, आप आइए और हम आपको आप यहाँ के पुजारी हैं, हाँ, और सामने आप जब दर्शन करेंगे तो देख सकते हैं कितना सुंदर विग्रह है यहाँ पर। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का जो भाव था राधा कृष्ण का, उसी भाव में यहाँ पर श्री राधा रानी और ठाकुर जी का यहाँ पर दर्शन है। ये निताई गौर और निमाई, ये दोनों का दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। निताई गौर और राधा गोविंद मंदिर दोनों का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ पर भजन किया है उस वृक्ष के नीचे। आइए चलते हैं उस 5000 साल पुराने वृक्ष का आपको दर्शन कराते हैं, आइए। और अब आप तैयार हो जाइए, हम आपको दिखाने वाले हैं वो वृक्ष जिस वृक्ष को बताते हैं 5000 साल पुराना, वही वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु जी भजन करते थे, और उससे पहले श्री राधा रानी यहाँ पर कृष्ण को याद करती थी इस यमुना तट के किनारे, जो कि सामने यमुना जी बह रही हैं। और इस वृक्ष को आप देखेंगे, और एक श्रापित वृक्ष भी इसको बोल सकते हैं। कहते हैं कि राधा रानी ने ऐसा श्राप दिया कि पूरे ब्रजमंडल में इमली का पेड़ है ही नहीं, और है तो इमली पकती नहीं है, और 5500 वर्ष पुराना इस वृक्ष को बताते हैं। और आप देख सकते हैं ये वो वृक्ष है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने भी, आप देख सकते हैं 5500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष है, और यहाँ पर किस तरह की लीला हुई है कि श्री राधा रानी के श्राप के कारण पूरे ब्रजमंडल में इमली पकती नहीं है, और इसके पीछे क्या लीला है, क्या भाव है, उसका दर्शन हम आपको कराएंगे। लेकिन चारों तरफ आप जब देखेंगे इस वृक्ष को, तो यमुना जी का ये वही तट है, वही स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी जब आए हैं तो राधा रानी और ठाकुर जी का इसी पेड़ के नीचे बैठ के यहाँ पर भजन उन्होंने किया है। और यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी से जुड़ी हुई जो महिमा है, जो लीला है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरी लीला के बारे में यहाँ पर बताया कि महाराज लीला में श्री राधा रानी अनंत हर्षित होने पर श्री कृष्ण को इस वृक्ष के नीचे बैठकर राधा मंत्र जप और ध्यान किया, और राधा रानी की वरण तथा राधा रानी की प्राप्ति हुई थी। इस कारण से यह स्थान सिद्धपीठ इमली तला के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। एक समय इस वृक्ष की पक्की इमली से राधा रानी के चरणों की जो अलता, जो महावर बोलते हैं, वो धुल जाने के कारण पूरे ब्रज 84 कोस में कहीं भी इमली नहीं पकती है। ऐसा यहाँ पर माना जाता है कि 1516 में कार्तिक पूर्णिमा में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन धाम में पधार कर इस वृक्ष के नीचे बैठकर नाम संकीर्तन किया था। एक लीला और है कि इस वृक्ष की एक शाखा टीकमगढ़ राजा के महल के उस पर फैल गई थी, जिसे राजा ने काट दिया था, तब उस डाल से लगातार 3 दिन तक खून निकला था। जी हाँ, इस वृक्ष के पीछे 3 लीला हैं कि एक राजा जो टीकमगढ़ के राजा हैं, उन्होंने इस वृक्ष को जब काटा है तो इसी इमली के वृक्ष में लगातार 3 दिन खून निकला था। और जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा वृक्ष, ये देखिए आप, ये 5000 साल पुराना पूरा वृक्ष है जिसको संभाल कर हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा वृक्ष है। और एक नहीं, दो नहीं, 3 लीलाएँ इस वृक्ष से जुड़ी हुई हैं। आइए यहाँ के किसी पुजारी जी से बातचीत करेंगे और इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह की यहाँ पर महिमा है। जय हो।
और इस पेड़ का आप देखेंगे, इस पेड़ की जो टहनी है, ये देखिए, ये अंदर वाली जो टहनी है, जो नेचुरल जो लकड़ी है, वो आप नीचे देख सकते हैं। और ऊपर तो इसको बचाव के लिए यहाँ पर इसको रखा गया है, ताकि ये वृक्ष बचा रहे। और 5500 वर्ष पुराना ये वृक्ष है। और बातचीत करेंगे यहाँ के जो पुजारी जी हैं, और उन्हीं से जानेंगे ये किस तरह का दर्शन है और यहाँ किस तरह की महिमा। और हमारे साथ में इस मंदिर के जो पुजारी हैं, आइए उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का भाव है। प्रभु जी, आपका शुभ नाम क्या है? हरि नारायण दास। हरि नारायण दास, जय हो। हरि भी है, नारायण भी है, दोनों हो गए आपके। प्रभु जी, क्या लीला है इस तरह की? इस तरह का जो लीला है, देखो इसमें लिखा है 5500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष। ये है मैं हिंदी तो ज्यादा नहीं जानता, आप जैसा बोले। ये है 5500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष है, द्वापर युग का, ठीक है? ये द्वापर युग का इमली का वृक्ष है, ठीक है? तो ये पीछे है सेवा कुंज, जो रासलीला स्थली। तो श्री कृष्ण भगवान जी शतकोटि गोपियों के लेके रास करते है। तो रास में श्रीमती राधा रानी को कोई रेस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी जो शतकोटि गोपी में रास करते है, तो रास में श्रीमती राधा रानी को कोई रेस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी जो शतकोटि गोपी के लिए रास करते, शतकोटि गोपी के लिए निज अंग से शतकोटि मायारूपी श्री कृष्ण सृजन किया, ठीक है? तो हर गोपी पूछते हैं, हमारे साथ श्री कृष्ण है, हमारे साथ श्री कृष्ण है, ठीक है? तो राधा रानी देखे सब गोपियों के साथ श्री कृष्ण है और हमारे साथ श्री कृष्ण, तो हम जो श्रेष्ठ हलादिनी शक्ति, तो हमको तो श्रेष्ठ सम्मान नहीं मिलेगा, हम तो गोपियों के साथ बराबर हो गया, इसलिए राधा रानी का अभिमान हुआ। तो जो राधा रानी का अभिमान हुआ, तो जो अष्ट सखी ललिता विशाखा चंपकलता सुदेवी रंगदेवी चित्रा इंदुरेखा तुंगविद्या, वो अष्ट सखी के लेकर के राजक्षेत्र छोड़कर यमुना के 8 किलोमीटर पर चला गया अभिमान करके। तो श्री कृष्ण भगवान जी देखे रास में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि राधा रानी नहीं है, जहाँ राधा रानी नहीं है वहाँ कोई आनंद नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान राजक्षेत्र छोड़कर यही जो 5500 वर्ष पुराने इमली का वृक्ष, ये वृक्ष से नीचे बैठ के राधा मंत्र जप किया। तो जो राधा मंत्र जप किया, तो उनका राधा वर्ण प्राप्ति हुआ। और श्री कृष्ण भगवान यहाँ बैठ के राधा मंत्र जप किया, तो राधा वर्ण प्राप्ति हुआ। और राधा रानी यह 60 किलोमीटर दूर चला गया, वो कृष्ण भी रहे, कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण वर्ण प्राप्ति हुआ, उल्टा हो गया, कृष्ण राधा वर्ण प्राप्ति हुआ और राधा कृष्ण वर्ण प्राप्ति हुआ। तो और एक ये जो सामने का बाड़ी है, ये मध्य प्रदेश MP टीकमगढ़ राजा का राजमहल था। अच्छा, तो राजा का एक तला बाड़ी था, राजा और एक तला बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये पेड़ की एक शाखा उधर घुसा है, तो काटना पड़ेगा। तो यह जो संत भगवान है और जो ब्रजवासी है, सब मना किया राजा मुझसे, ये पेड़ को मत काटो, लेकिन राजा का घमंड था, अहंकार था, वो बात नहीं सुना, वो काट दिया। तो जैसे काट रहा है, तो इंसान को काटने क्या खून निकलता है, ये पेड़ से 3 दिन और 3 रात लगातार खून निकलता है। 3 दिन खून निकला, 3 दिन 3 रात लगातार खून निकलता है, जो यमुना का पूरा पानी लाल हो गया। तो 3 दिन के बाद राजा का पूरा खानदानी खत्म हो गया। बाद में जमीन मत, क्या नाम बताया था राजा? मध्य प्रदेश टीकमगढ़ राजा, टीकमगढ़ का राजा। राजा, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि इस वृक्ष को उन्होंने काटा था, क्योंकि उनको महल बनाना था, तो पेड़ का भी बड़ा था, उसको जब काटा है तो 3 दिन यहाँ पर 3 दिन 3 रात खून निकला था। तो 3 दिन के बाद ये 5500 वर्ण पुराना, ये ऊपर क्या लगाया हुआ है? ये ऊपर का ये संरक्षित करके रखा है। अच्छा, संरक्षण, इसको बचा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो भीतर वाला जो आप देखेंगे लकड़ी, संरक्षित करके रखा है पूरा वृक्ष। तो ये वृक्ष से 3 दिन 3 रात लगातार खून निकला थे, जो राजा का 3 दिन के बाद पूरा खानदानी खत्म हो गया। बाद में जमीन मंदिर के दान किया, अभी मंदिर का गेस्ट हाउस बनेगा। अच्छा, आज भी ये वही स्थान है? और श्री कृष्ण भगवान जी जो यहाँ बैठ के राधा मंत्र जप किया, तो इतना जोर वंशी ध्वनि कराया कि स्वर्ग ब्रह्मलोक तक यहाँ पहुँचा। तो राधा रानी उस वंशी ध्वनि से स्थिर नहीं पाएगा, वो अष्टसखी के लेकर यहाँ आ गया। देखिए, एक महापुरुष यहाँ बैठ के हमारे मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन राधा रानी चिंतित नहीं पड़ा, वो साम वर्ण गौर वर्ण हो गया। तो जो अष्टसखी है, ललिता सखी सबसे चालाक है, सबसे चतुर है। तो राधा रानी ललिता को पूछा, ब्रज में ये महापुरुष कौन है जो हमारे हृदय को आकर्षित कर रहा है, हमारे चित्त को आकर्षित कर रहा है? श्री कृष्ण बिना, श्री गोविंद बिना दूसरा कोई आदमी नहीं जो हमारे हृदय को आकर्षित कर रहा है। तो राधा रानी पूछा, देखो सिर में मोर पूजे, कोमरे वंशी और पीताम्बरे ड्रेस है, तो यही तुम्हारे श्री कृष्ण है, तुम्हें स्पर्श करो और अपना वर्ण फ्री ना। तो जो राधा रानी ललिता कदम में इनको स्पर्श किया, तो श्री कृष्ण फिर सेम वर्ण हो गया, राधा रानी फिर राधा वर्ण हो गया। तो भगवान जी को राधा रानी पूछा, प्रभु ये आपका क्या लीला है? तो राधा रानी पूछा, ये भगवान जी पूछा, ये दापर चल रहा है, इसके बाद कलियुग, कलियुग में मैं वेस्ट बंगाल मायापुर नवद्वीप धाम में सची माता के गर्भ अवतीर्ण हुआ, उससे पूरी धाम, और 3 मास पैदल में आकर यही स्थान में बैठ के
यही स्थान में बैठ के जगत को प्रेम दान किया। और इसलिए कलयुग में बोलते हरे नामो वो हरे नामो वो हरे नामो वो केवल बोलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गति रो नाम नहीं पकती है ये ओ पता है। तो इसलिए कलयुग बोलते हरे नामो वो हरे नामो वो हरे नामो वो केवल बोलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गति रो नाम कलयुग हरि नाम बिना कोनो गति नाय कोनो गति नाय कोनो गति नाय महाप्रभु तीन सत्य कर बताया। और जो विशेष महत्वपूर्ण चित्र ये मंदिर का ये पीछे सेवा कुंज और इधर 5-7 बिल्डिंग ऊपर है श्रृंगार बोर्ड जो राधा रानी श्रृंगार करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान निजो हाथ से राधा रानी के सोलो श्रृंगार करते हैं। तो इसी रास्ता में राधा रानी रास में जाते हैं। तो पाका इमली रास्ता में गिरा हुआ है तो राधा रानी जो जाते हैं तो पाका इमली राधा रानी पेड़ को लगा और राधा रानी पिछल के गिर गया। तो राधा रानी क्या जो पिछल के गिर गया तो उनका हालता खराब हो गया और पूरा श्रृंगार खराब हो गया। तो राधा रानी की इतना मनोव्यथा है इतना दुख है इतना कष्ट है जो मैं तो कृष्ण सेवा में जा रहा हूँ मैं तो भगवान के सेवा करने के लिए जा रहा हूँ भगवान का आनंद देने के लिए जा रहा हूँ और तुम बाधा दिया जो तुमको शराब दिया अभिशाप दिया आज से 84 भजमंडल में इमली होगा लेकिन पाकेगा नहीं। इमली का पेड़ होगा लेकिन पकेगा पकेगा इमली होगा लेकिन पाकेगा नहीं। तो ये जो मंदिर है आप दर्शन करते ये वृंदावन का जितना सारे मंदिर है ये एक विशेष महत्वपूर्ण मंदिर है। ये मंदिर की राधा रानी हर दिन आती है यमुना जी सामने है। तो ये मंदिर का नाम है सिद्धपीठ इमलीतला महाप्रभु मंदिर ये इतना महत्वपूर्ण मंदिर है। तो ये मंदिर के जो चार परिक्रमा लगाते तो आपको सब मनोकामना पूर्त होता है ये मंदिर का महत्व है। राधे राधे बहुत बहुत। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कई लीलाएं इस वृक्ष से जुड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं कि 5000 साल पुराने वृक्ष को संरक्षित कर यहाँ पर रखा हुआ है ताकि हम भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का यहाँ पर आनंद ले सकें। और कहते हैं कि 3 दिन खून भी इस वृक्ष से निकला है। आप भी जब कभी श्री धाम वृंदावन में आए तो उस स्थान पर आप जरूर आए। आज का हमारा ये भाव हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएँ। श्री धाम वृंदावन से इमलीतला वृक्ष से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।